सूरज की पहली किरण के धरती पर गिरने की न्यूज हर किसी के लिए गुड न्यूज नहीं होती। बुरा वक्त। नीतू, पापा आ गए। परेशानियों की शुरुआत। एक डोर से बंधा एक छोटा सा परिवार। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक ऑल मेल कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की। एक खुशबूदार दिन की शुरुआत। लेकिन ये शहर इस खुशबू को कितनी देर टिकने की इजाजत देगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जीवन की छोटी छोटी खुशियां। 9:35। Thank God, सही टाइम पे आ गया। मंजिल पाने की खुशी। गुड मॉर्निंग सोलंकी जी। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर दीपक वर्मा। क्या बात है, लोग कहते हैं इंसान वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन आप अभी तक नहीं बदले। क्या मतलब? आज भी हमेशा की तरह लेट आए हैं। क्या बात कर रहे हैं सोलंकी जी, देखिए 9:35 हुए। 9:35? जरा उधर देखिए। प्रोफेसर सोलंकी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बुरा वक्त। प्रोफेसर वर्मा, आपने आज तक मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। थैंक यू मैम। मुझे पूरा विश्वास था कि कॉलेज के पहले दिन भी आप लेट आएंगे, और आप लेट आए। जी वो दरअसल बच्चों को तैयार करने में थोड़ा सा। लुक हियर मिस्टर वर्मा, ये कॉलेज के रूल्स आपके बच्चों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए। अंडरस्टैंड? This is my last warning to you. आप अपने काम को सीरियसली लिया कीजिए मिस्टर वर्मा। हमारा कॉलेज कोई ऐसा वैसा नहीं। मैं नहीं चाहती कि आम कॉलेजों की तरह हमारा कॉलेज भी इनडिसिप्लिन और मौज मस्ती का अड्डा बने। स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहे और वो समझे कि उनका भविष्य उनके हाथ में है। अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी गलत डायरेक्शन में बह रही है। प्रोफेसर वर्मा, मैनेजमेंट के सामने प्रपोजल भिजवा दीजिए कि ये टाइल सीलिंग तक लगवा दी जाए, ताकि ये बेहूदगी रुके। जी। दिमाग लड़के, ये नहीं समझते कि गर्ल्स हॉस्टल की खिड़की के नीचे खड़े रहने से ये न्यूटन या आइंस्टाइन नहीं बन जाएंगे। और आजकल की लड़कियां कौन सी कम है, बाल बनाने से लेकर पढ़ाई का सारा काम हॉस्टल की खिड़की के सामने आकर करती हैं। आप मैनेजमेंट के सामने प्रपोजल भिजवा दीजिए कि गर्ल्स हॉस्टल की खिड़कियां कांच की जगह प्लाईवुड की कर दी जाए। जी? जी, जी। कॉलेज के एडमिशन का क्या हो रहा है? बहुत अच्छा है, आज लास्ट डे, फिर भी स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है। हमारे कॉलेज की रेपुटेशन तो इतनी अच्छी है कि दूर दूर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। धारीवाल कॉलेज? नहीं भाई। भाई धारीवाल कॉलेज चलोगे? नहीं। ओए धारीवाल कॉलेज आ जा, आ जा तुरया।
धारीवाल कॉलेज के लिए टैक्सी मिलना मुश्किल है ना, अगली मिले ना बेटा तो बैठ जाना, ये मेरी हो गई। मैं निकला गड्डी लेके, चलिए चलिए सीट बेल्ट कस के बांध लेना। परिया सीट बेल्ट है कहाँ? ओए और सीट वो जिस पर तू बैठा है और बेल्ट वो जो तेरी पैंट में बंधी है, उसको निकाल के सीट से बांध दे, होगी सीट बेल्ट। चलिए देख, मेरे को गड्डी एकदम फास्ट भगाने की आदत है, घबराई ना बिल्कुल। हाँ कितना हुआ सरदार जी? और जो मर्जी दे दे यार। ये लीजिए, जा ऐश कर। थैंक यू। थप्पा, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। तुम टेरेस पे थे क्या? हाँ जी। कुछ नहीं हो सकता भाई इस देश का, लड़कों की आधी जिंदगी लड़कियों को देखने में और लड़कियों की लड़कों को स्माइल करने में निकल जाती, कमाल है। हाय सेक्सी। अबे कहाँ गया? सेक्सी कहा हमें? ये मैंने नहीं कहा। वाओ स्वीट, सेक्सी तो तुम लग रहे हो बॉसी। देखिए मैं वो क्या आंखें हैं, डूब जाने दो इन आंखों में मुझे। स्वीटी पाई, आज बचोगे नहीं स्मार्टी। मरना ही है तो फिर मैं अकेले क्यों मरूं? मेरा दोस्त भी है मेरे साथ। तुम भाग गए तो हमें अपनी बाहों में कौन लेकर जाने? Dying for your love, hug me, kiss me. एक मिनट, आज इसका माँ। अरे भाई साहब, अरे अरे बहन है उसकी, अरे अरे बहन है उसकी, सुनो मेरी बात, काले चला यार। ये प्रिंसिपल तो तोप की तरह बरसी मुझ पर। हम पर? तू बीच में मत बोल, तेरी वजह से हुई है सारी गड़बड़। ना तो उन लड़कियों को देखकर सीटी बजाता, ना उनके दोस्त हमें उठाकर। अमित, अरे अनजाने शहर में आया, कर ले दोस्ती, यहाँ के स्टूडेंट्स कितने शरीफ है ये तो देख ही लिया तूने, अकेले टकराएगा तो शहीद हो जाएगा। जय बबल गम खाएगा? सामने दुकान पर मिलती है, खरीद कर खा ले। अबे सुन कहा जा रहा है? अरे सुन तो, ओए सुन यार, क्या हुआ? देख, दोस्ती करनी है तो फिर दोस्ती के उसूल निभाना सीख, मेरी लाइफ का एक फंडा है, दोस्त के लिए जान भी हाजिर है। बहुत फिल्मी है रे तू। अच्छा चल हाथ मिला। अरे हाथ मिला ना यार, देख तुझे तेरी माँ की कसम, हाथ मिला। अच्छा अपनी अपनी, नहीं मजाक नहीं, आजा हाथ मिला यार। अरे बेटा जल्दी कर, एक ही सीट बची है हॉस्टल में, आई कोई और ले ली तो तू कहीं करेला। अबे तेरी तो, अबे तू तो कह रहा था दोस्त के लिए जान भी हाजिर है। है ना यार, बिल्कुल हाजिर है, पर आज नहीं, थोड़ा वेट कर, 70 साल के बाद मिल जाएगी। अच्छा अबे तेरी, अबे तेरे भागता तो मैं भी बहुत तेज हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, प्यार से फैसला कर लेते हैं ना। देख हेड्स, हॉस्टल की सीट मेरी, टेल्स तेरी, क्या बोलता है? डन। ठीक है डन, उड़ा। अबे तेरी, अबे तू
ये सीट तो मैं लेकर आऊंगा, समझा? अरे तीन साल रोड पे नहीं बिताने पे, ये सीट मेरी होगी। अबे हटना खाएगी तेरी होगी। अरे जा। भाई ये क्या? थैंक यू भाई। चाल बेटा चाल, धारी सीट पक्की है, अब तैयारी करनी है। शिट, फिर से दोस्त बने? कौन सी दुनिया में हैं आप? ये मुंबई का सबसे पास एरिया है, आपके बजट में यहाँ खड़ा रहने की परमिशन नहीं है, कमरा तो बहुत दूर की बात है। देखिए हम बहुत तकलीफ में हैं, तीन साल गुजारेंगे कैसे? देखिए हम आपकी बात समझ रहा हूँ भाई, लेकिन आपके बजट में ऐसा कुछ यहाँ मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कुछ तो होगा, देखिए ना इस एरिया में, देखिए ना प्लीज। कहा देखें? देखा 6,000, 5,500, 9,000, 2,500। ये वाला देखिए, ये जगह थोड़े ही दूरी पर है। हाँ, हाँ। लेकिन इस घर की जो मालकिन है उसकी शर्त है, हाँ। कपल, सिर्फ कपल यानी कि शादीशुदा जोड़े को ही वो कमरा देती है। एक बार बात करके देख सकते हैं? हाँ। अरे स्ट्रिक्टली फॉर कपल्स लिखवाया है भाई, खुदा ही देख लो। देखो एक सौ पच्चीस, 160। ये अमित ये सब क्या है यार? ये रहा, मिल गया। पापड़, 7 रुपए का पापड़ यार, मैंने सोचा कोई ऑमलेट चॉमलेट होगा। अबे पागल हो गया क्या? हम बॉम्बे के सबसे पॉश एरिया में, यहाँ की मुर्गियों को भी अगर पता लग गया ना कि सिर्फ 7 रुपए में उनके अंडों के ऑमलेट बिक रहे, तो वो अंडे देना बंद कर देंगी। अबे 20 रुपए की चाय, 40 रुपए का ऑमलेट, अरे गड़बड़ है यार। अमित हम 3 साल यहाँ कैसे टिकेंगे यार? क्या करें यार, अपनी बजट की जगह यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, रोज इतनी ट्रैवलिंग करेंगे तो पढ़ेंगे कब? हे अमित, अमित चल के उस रियल स्टेट एजेंट के पैर पकड़ लेते हैं। क्यों, तुझे क्या लगता है वो एक टांग उठाकर बोलेगा लोग कर दी जगह खाली, बना लो अपना बंगला यहाँ? हे अमित याद है वो स्टेट एजेंट कह रहा था एक औरत है जो अपना मकान सिर्फ शादीशुदा लोगों को देती है। हाँ यार याद है, एक काम करते दोनों कटोरे लेकर रोड पर निकल जाते और लोगों से भीख में पैसे की जगह उनकी बीवियां मांग लेते, एक तेरे लिए एक मेरे लिए, दो बीवियां लेकर पहुंच जाते उस मकान मालकिन के पास। तुझे ऐसे सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है? तो और क्या करूं, रातों रात पैदा करूं एक बीवी, कहां से लाऊं? तेरे से तो बात करना ही बेकार है। हे अमित, अमित रातों रात बीवी पैदा हो सकती है यार? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अबे पिक्चर में ये सब ठीक है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, अगर पकड़े गए ना तो बहुत जूते पड़ेंगे। हमें तो और कोई चारा भी तो नहीं है यार, मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ भेजा है, मैं उनके सपने नहीं तोड़ सकता यार। देख पागलपन है ये। अमित अमित एक बार ट्राई तो करके देखते हैं, अगर पहचान में आ गए तो सॉरी बोल के भाग लेंगे ना यार। अरे इतना आसान नहीं है बेटा ये, बम्बई में टिकना भी आसान नहीं है बेटा। ये देख देख, 20 रुपए की चाय, 40 रुपए का ऑमलेट, क्या करेंगे हम? ठीक है ट्राई करके देखते हैं। चल तेरे लिए लड़कियों वाले कपड़े खरीद कर लाते। मेरे लिए क्यों, मैं तो तेरे लिए सोच रहा था। मैं नहीं, हो देख टेंशन तेरा ज्यादा है मेरा कम है, और तू तो हर तरह की आवाज भी निकाल सकता है ना, लड़की की भी आसानी से निकाल लेगा। ए देख हमें, देख जय अगर मैं तेरी बीवी बना तो बीवी कम बेवा ज्यादा लगूंगा, तू चिकना है ना, देखकर ही डाउट होता है कि भगवान से गलती हुई है, लड़की को लड़कों के कैटेगरी में डाल दिया। यार अमित मैं कैसे? सोच ले, मतलब मैं नहीं बनने वाला हूँ, ये फाइनल है। 20 रुपए की चाय, 40 रुपए का ऑमलेट, डन डन, ठीक है तेरी मर्जी। अच्छा अच्छा डन डन, अब बनेगी तू जो गन। कल तक तो कुंवारे थे, आज शादी भी बना ली है। हाँ। चट मंगनी पड़े शादी। अच्छा। वो बात ये है कि बात तो कई महीनों से चल रही थी, पर हमें लगा कि अभी शादी करने की क्या जरूरत है, फिर लगा अभी शादी करने की जितनी जरूरत है उतनी तो शायद जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगी। क्यों? हाँ। इसीलिए फटाफट चेन्नई बजवा दी। आप बिल्कुल सही कहती हैं, एक मकान की जरूरत इंसान को इस शहर में बड़ा नाच नचाती है। हाँ भाभी जी, देखा
हम अपनी जिम्मेदारी पर तुमको ये रूम दिलवा रहा हूँ। हाँ, ये रूम की मालकिन जो है बहुत कड़क है, ज्यादा गड़बड़ नहीं करना। अच्छा वैसे नाम क्या बदला है आपने इनका? शालिनी, शालिनी देवी। आप? मैडम यही है वो मियां बीवी जिसके बारे में हमने आपको बताया था, मिस्टर मिसेस अमित। नमस्ते जी, तुम शादीशुदा हो? हाँ नहीं तो नहीं, मतलब हाँ तो हूँ तो। अंदर आओ। मारे गए। इतनी कम उम्र में शादी, खुद के भविष्य का तो कोई ठिकाना नहीं और किसी दूसरे की जिंदगी को अपने साथ जोड़ लिया। ये बात हमें पता होता कि आप यहाँ तो हम ये शादी कभी नहीं करते। क्या मतलब? कुछ नहीं मैडम, वो बच्चा लोग घबरा रहे हैं। देखो सिर्फ तुम्हारी तकलीफ का ख्याल करते हुए मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी है। क्या नाम है तुम्हारा? जय। जया। ऊपर वाला कमरा है। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम, सब ठीक है। समझ गया ना? इस खिड़की को हमेशा बंद रखना, सामने देसी शराब का गोदाम है, अगर ये खिड़की खुली रहती है तो पूरे घर में बदबू फैल जाती है। हाँ मैडम की कही हर एक बात आपको माननी पड़ेगी, मैडम को पैसों का लालच बिल्कुल नहीं है, बस मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती है, देवी है देवी। बस कमरा तो तुम लोगों को पसंद ही आया होगा। जी जी। एक बात ध्यान रहे, किरायेदार होने का कभी भी गलत फायदा उठाने की कोशिश मत करना। कॉलेज में मेरे लिए तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो। इज दैट क्लियर? यस मैम। जी जी, मैं तो वही बोलता हूँ, बोलती हूँ जो मेरा घरवाला बोलता है। घरवाला बोलता नहीं, बोलते हैं जी। तमीज सीखो, पति हैं तुम्हारे। घबराओ नहीं, अच्छे घर के हो तुम लोग। एक दो दिन के बाद जब मैडम के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाएगा तो वो गले से लगा लेगी तुम लोगों को। असली चेहरा सामने आया तो गले से लगाएगी नहीं, गला दबाएगी हमारा। क्या कहा? जी कुछ नहीं। तो हम चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। चलिए मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। आई छूने नहीं दिया। क्या कर रही हो? यही सवाल तो मैं भी कर सकती हूँ, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? ये हमारे नए किरायेदार हैं, मिस्टर मिसेस अमित, और ये है मेरी भतीजियां नेहा और निशा। इट सीम्स कि तुम दोनों अमित को कॉलेज में मिल चुकी हो। जी मगर कॉलेज में तो कुछ अलग ही रूप देखा है इनका। नहीं सीरियसली मैम, शांत भोली भाली, ऐसा लगता है जैसे दुनिया से तो कोई वास्ता ही ना हो इनका। बस ये और इनकी किताब है, और आज यहाँ घर पे भगवान के भक्त। अच्छी बात है नहीं? कुछ सीखो इनसे। कॉलेज का टाइम हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। जी मैम। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम तुम्हें सॉरी बोलते हुए तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे तो तुम ये गलत सोच रहे हो। बच के रहना हमसे। मिर्चे। अबे चल बे, कॉलेज नहीं जाना? चलते हैं ना जाने मन, पहले नाना और गाना तो हो जाए। देख देख, आज के बाद अगर तूने मुझे जाने मन शाने मन बोला ना तो मैं तेरी तो क्या करेगा तू? 20 रुपए की चाय और 40 रुपए की ऑमलेट खिलाएगा जाने मन? मैं तो वही बोलती हूँ जो मेरा कमीना साला। हाँ जा तू चेंज कर ले, मैं यहाँ वेट करता हूँ। आ रहा हूँ। अरे लड़का, आ रही हूँ। मारा गया। अरे,
छोड़ इसको। यार वो प्रिया बड़ी प्यारी लड़की है यार, कसम से मैंने सर की बेटी है। क्या बात कर रहा है तू, वेट नहीं कर सकता था मेरे लिए? अबे तू जल्दी नहीं आ सकता था? मैं अंदर बाथरूम में बाकी औरतों के साथ खो खो नहीं खेल रहा था। अच्छा? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? आवाज नहीं। क्या है? लिपस्टिक। ए भाई ओ, ये जरा उस टाइप का आदमी है, समझ रहा है ना? नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। मैं जानती हूँ इस कॉलेज में पहली बार आने वाले स्टूडेंट्स हैरान होंगे कि इस कॉलेज में स्कूल्स की तरह असेंबली क्यों की जा रही है। जो लोग कॉलेज जाना पिकनिक जाना समझते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि धारीवाल कॉलेज में रहना है तो यहाँ के रूल्स और यहाँ के डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। आंटी बहुत डेंजर है। इस कॉलेज की बेहतरी के लिए कुछ नई चीजें शुरू हो रही हैं। मल्टी लैंग्वेज टीचिंग कोर्स के तहत जापानी सिखाने के लिए एक टीचर को खास जापान से बुलाया गया है, और इसके साथ ही हम आज से इस कॉलेज में फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स यानी कि PT इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड फॉर दैट आई इनवाइट मिस सोनिया ऑन स्टेज। मुझे उम्मीद है कि ये न्यूज़ सुन के आप लोगों को खुशी हुई होगी, राइट? रॉन्ग। What did you say? Right, ma'am. हेलो जी, आ गया थोड़ा धारीवाल कॉलेज। हाय, कोमनाथ तो करो एक कारू धारीवाल कॉलेज। आ फड़ो अपना कर दब्बा। हाँ, कारू उखाने? वापस एयरपोर्ट जाना है। ओ, आई एम सॉरी। कितनी हुई? ओ तो जापानी मुर्गा है, तेरे को आसानी से थोड़े छोड़ूंगा। 500 रुपये। कितनी हुई? ओए जापानी तोते जैकी चैन के पोते, तेरे को बोल रहा हूँ 500 रुपये। कितनी हुई? ओए तेरे को कितनी बारी बोला 500 रुपये? 500। ओके 500। देखा जट विद्या लगाई तो कैसी जल्दी समझ में आ गया। आज मेरे को पता चला इन जापानियों का जो अकल का बटन है वो गले में होता है। चल पैसे निकाल। ज़्यादा है। कितनी हुई? ओयो रब्बा, वाहेगुरु मेरे को माफ करना, आज मेरे हाथों एक बंदे का कत्ल होने वाला है। बोले तो निहाल। सरदार जी। कौन है ओए? क्या हो रहा है ये? वो देखो ना, ये जापानी बंदा एयरपोर्ट से टैक्सी में आया, पैसे नहीं दे रहा, किडनी करता है। 500 मंगती। 500 रुपए? सरदार जी शर्म आनी चाहिए आपको। एक अनजान आदमी आपके हाथ लगाए और आप इतने सस्ते में छोड़ दोगे उसे? नाम खराब करोगे इंडिया का? डोंट वरी, जरा बड़ा चूना लगाते, आधा आपका आधा मेरा। सरदार जी शेंडी लगाते इसको, शेंडी। शेंडी? अबे गोचू गधे, ये इंडियन शेंडी है, तेरी जापानी किताब में इसका मतलब नहीं। पर्स निकाल, पर्स। आप भी पर्स निकालो। ओ पर्स नहीं है, पैसे हैं। हाँ तो पैसे निकालो। ला पैसे निकाल, 100 रुपए। 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, गिव, 100 रुपीज, 500 वापस करो। 500? अरे करो ना यार। चल ठीक है, लाओ पकड़ो 500 रुपए। लो 500। हाँ इंडिया में जीरो बहुत मिलते हैं, जीरो नो वैल्यू। ला 50 की नोट दे। 50 रुपीज, 50 रुपीज, 50 रुपीज, वेरी गुड। हाँ 50, 100 रुपीज लाओ। 100? हाँ लाओ, देओ ना यार आप। चल ठीक है, ये ले पकड़ 100 रुपीज। ओके, इंडिया जीरो नो वैल्यू, इंडिया इज ग्रेट। हाँ ला 5-5 की 3 नोट दो। 5-5 की? हाँ ला 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 ला, पकड़ो। ला 500-500 की 3 नोट दे। 500? अरे इंडिया जीरो No value. हाँ, okay. 3 notes, 500. Give quickly. 1, 2, 3. Very good. ये लो मेरा हिस्सा। लग गई ना शेंडी? शेंडी लग गई। हाँ। शेंडी? सावधान। विश्राम। आराम से। Okay boys, तो सबसे पहली बात, PT करना क्यों जरूरी है?
जवाब दो। वो जवाब दो। आवाज नहीं निकल रही ना, चक्कर आ रहे हैं। सीधे खड़े रहो। नहीं ना, ऐसे ही रहने दो ना। साइलेंस। जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते वो ऐसे मुंह के बल गिरते हैं। लिसन बॉयज, कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन से ही इंसान आगे बढ़ता है। निगाहें मंजिल पर टिकी हो। टिकी है मैडम। तो क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, अपना फ्यूचर? यस मैडम। शराफत से या बदमाशी से, कसम खाओ कि इस फ्यूचर को पाकर ही रहेंगे। हम कसम खाते हैं मैडम। गुड। तो सबसे पहले वार्म अप जॉगिंग शुरू करते हैं मेरे काउंट पर। वन टू 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 वन टू। होल्ड होल्ड इट। सावधान लड़कों, फिर से शुरू करेंगे। दाहिना हाथ उठाकर पैंट की पिछली जेब पर, बायां हाथ हवा में सीधा। अब एक टांग पर लंगड़ी करके दौड़ेंगे। दौड़। बेबी, बॉल के साथ मत खेलो, ये तुम्हारे नाजुक जिस्म का हिस्सा है, अगर गुम हो गया तो तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा। तुझे ऐसा नहीं लगता अमित कि तेरे इन घटिया मजाक की वजह से मैं एक दिन तेरा मर्डर कर दूंगा? क्यों हंस रहा है बे? नहीं, ऐसे ही मुझे ख्याल है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तू विधवा के कपड़ों में कैसे लगेगा। 75। Come on, let's go. Come on. Okay. 5, 6, 7. Oh, come on. 14. DJ. Just 19. बच्चियों को रग से निकाल निकाल भटा। दूसरा फल का है, दूसरा बॉल का है, बाहर जा जा ले गया उसे, जा अभी जाए। खोलो मैं खोलो दरवाजा। खोलो। ओह शिट। अमित खोलो। हुरे। हाय हाय हाय। आप दोनों इस वक्त यहाँ, वो कैसे? हाँ, वो जरा यूं ही घूमते घूमते आ गए। अच्छा। आपने टी शर्ट उल्टी पहनी है। हा? नहीं नहीं, वो मैंने लेबल आगे लगाया। जया क्या कर रही है? क्या कर रही है वो?
हाय हाय जया जया क्या कर रही है तू ओह गॉड जया जया क्या कर रही है तू यू वांट सम नो थैंक्स इवन आई डोंट वांट जया कम ऑन क्या कर रही है तू जया जया मैंने तुम दोनों से खिड़की बंद रखने को कहा था ना हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा आदेश ना मानने की मैम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ये मेरी बात ही नहीं मानता मानती मैम एक्चुअली क्या है तमीज नहीं है ना इसमें वो क्या है बड़े अनकल्चर खानदान से आई है वो बड़ों की बात मानना उनका आदर करना खानदान कुछ सीखा ही नहीं है ना बचपन में ही माँ बाप ने बेचारी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया था मैम बस ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए या तो ढंग से रहो नहीं तो अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल जाओ सुन लिया जी खबरदार जो आज के बाद मेरी बात नहीं मानी तो आप निश्चिंत रहिए स्वामी आज के बाद मेरा हर काम आपकी इज्जत में चार चांद ही लगाएगा होता है रखी थी आपने पूरी पीजिए ना नहीं बस बस बटर I'm done. Silence. अमित, तुम्हारा हाजमा तो ठीक है ना? हाँ जय, शुरू करो रिहर्सल. Action. देखा है एक सपना. सपने में तुम थी दौड़ी. ए लैला, देखना एक दिन बन के रहेगी तू घोड़ी. जीतू मितू क्या हो रहा है ये इसीलिए मैं तुमको कहीं लेके नहीं जाता हूँ बिहेव योरसेल्फ सर अगर ओरिजिनल लैला को ऐसा मजनू मिला होता ना तो मजनू को पब्लिक ने नहीं लैला नहीं पत्थर मारे होते ओ रियली तो तुम्हें पता है कि ओरिजिनल मजनू किस तरह का होना चाहिए इतना ही घमंड है अपनी एक्टिंग पर तो आ जाओ मैदान में अरे आ तो जाता मगर बच्चे को तकलीफ होगी ना नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी तुझमें हिम्मत है तो आना स्टेज पर तू कर ले ये रोल मैं नहीं मैं कैसे मैं कैसे बस बेटा नीचे खड़े खड़े ही शेर बन रहा था फिर से हवा निकल गई क्या ऑल द बेस्ट कम ऑन लेट्स बिगिन द वॉर हाँ या लैला कहाँ थी तुम इतने दिनों तक मजनू समहा मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आ रही थी किसी और को डेट कर रही थी मैं गलतियां होती है स्टेज पे बेटा तू तो बहुत शाना है ना दूसरों की प्रॉब्लम संभाल भी सकता है और दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है क्यों तू बैठना यार जा लैला तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें तुम्हारी अपनी मोहब्बत का इट्स सिंपल कैस पैर पकड़ो मेरे इम्प्रोवाइज ना फिक्र है इस जहां की ना यहां की ना वहां की कदमों में मुझको बिठा लो अगर बड़ी सेवा करूंगा तुम्हारी माँ की पिता की कसम खुदा की Thank you, sir. Thank you. Damn good, yeah. Damn good. Damn good. Fantastic. For you. Thank you. अरे भाई अब ये जीतू मीतू कहाँ चले गए? अबे अबे जीतू मीतू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर 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 आ इधर आ. हाँ तू इधर आ. चल चल चल. अबे मरवाओगे यार तुम दोनों. जी
वो दरअसल मुझे आज कॉलेज देर तक रुकना था और बच्चों की छुट्टी थी, घर पे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए अपने साथ ले आया। Shame on you, Mr. Verma. I am deeply sorry, madam. रख उसे, तुम दोनों का हर... Mr. Verma, क्या कर रहे हैं आप? I'm sorry, ma'am, but... Sorry तो आपको उन बच्चों से मांगनी चाहिए। Mr. Verma, एक पिता के लिए बच्चों से बड़ी जिम्मेदारी और कोई नहीं होती। इन बच्चों को इस कॉलेज में लाना आपकी मजबूरी या गलती ही सही, लेकिन कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए आप इन बच्चों को डांटे, इन मासूम बच्चों को। They look at you as a hero. और उनका हीरो किसी के सामने गिड़गिड़ाए तो बच्चे कायर होते हैं। Don't ever do that again. जा सकते हैं आप। आंटी, you are so sweet. एक पपी ले लो। पापा, आंटी बहुत लंबी है, हमारे बदले आप पपी ले लो। सॉरी मैम। सर, कोई ना कोई रास्ता निकला। हाँ, अभी लाया, एक मिनट। हाँ, सर, आप यही कॉलेज के आसपास ही क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? इतनी दूर से आने जाने में आपके टोटल 5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। अरे कैसे हो जाऊं यार, तुम लोगों को मालूम नहीं है मकानों की बहुत प्रॉब्लम है। मकान की प्रॉब्लम, ये हम नहीं जानते। सर, कॉलेज का वो एक बंगला जो खाली है, वो तो वाइस प्रिंसिपल के लिए है। पर अपने कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट तो खाली है ना। सर, आप क्यों नहीं ट्राई करते? वो तूफानी डंडा बनने देगी तब ना। हाँ, देखते ही काटने को दौड़ती है। यार, ये मजाक की बात नहीं है यार। हमें सर की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। सर, आपको मैडम को भरोसा दिलाना होगा कि आप बहुत एफिशिएंट है। राइट, कॉलेज का फ्रेशर्स डे फंक्शन, बात छोटी सही पर शुरुआत तो यहीं से की जा सकती है ना। हाँ यस यस, सर की खातिर हमें इस शो को सक्सेसफुल बनाना है। जान लगा देंगे हम। डन डन, ये हां, अरे संभल के। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। हाँ, ला ला ला, मैं लगा लूंगा बाद में, रख ले इधर, रख ले। हाँ अमित भैया, पानी? ठीक है। हाँ, पानी ला ला ला। हाँ, थैंक्स। अबे बस कर, पागल हो गया क्या? ये तेरा 12वां ग्लास है, मजनू की एक्टिंग करने जा रहा है, फायर ब्रिगेड के गाड़ी की नहीं। नहीं यार, रिहर्सल में हीरो बनना अलग बात है और यहाँ स्टेज पर इतने लोगों के सामने प्यार भरे डायलॉग्स बोलना बहुत अलग बात है यार। अच्छा, भगवान पे भरोसा रख। थैंक्स यार, वो जरूर कुछ ना कुछ बुरा करेंगे। पता है, जब तू पैदा हुआ होगा ना, डॉक्टर ने जरूर रावण की आरती गाई होगी। लिसन अमित, महसूस करो अपने दिल में मेरे लिए प्यार। ये सोचो कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। प्यार करते हैं हम एक दूसरे को। कुछ कह रहा है तुम्हारा दिल मेरे दिल से। दुनिया की हर आवाज तुम्हारे लिए एक शोर की तरह है। कुछ सुन सकते हो तो दिल की धड़कन सुनो, मेरे दिल की धड़कन सुनो, तुम्हारे दिल की धड़कन सुनो, जो बार बार कह रही है, कम फॉल इन लव विद मी अमित, फॉल इन लव विद मी। अरे कहाँ जा? जाना पड़ेगा यार, जाना पड़ेगा, पागल हो गया। तो अब आपकी खिदमत में पेश है नाटक लैला मजनू। जाने भी नहीं दे रहा है यार, मुझे जोर से लगी, बहुत जोर से लगी। मत मारो मेरे दीवाने को, मत मारो। कैस, कैस, लैला, लैला, कैस, तुम्हें लगी तो नहीं? लगी तो बहुत जोर से है, लेकिन जा नहीं सकता। कहाँ नहीं जा सकते? तुम्हें छोड़कर जा नहीं सकता इस दुनिया से, लैला। ओ मजनू, कितने बेबस हो तुम। सही पहचाना लैला, जिंदगी में इतनी मुश्किल कभी नहीं हुई। मैं अब्बा हुजूर को बुलाती हूँ, तुम उनसे मेरा हाथ मांग लेना। जरूर लैला, जरूर, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है जाने मन, जाने सार कुछ काम है। अबे रुक जाओ, ये क्या बोल रहा है? जाओ, ऐसा भी क्या काम है जो हमारी मोहब्बत से ज्यादा जरूरी है? बोलो, कुछ तो बोलो। समझने की कोशिश करो जाने मन, हर बात का जवाब नहीं होता, हसीनाओं के हुस्न का हिसाब नहीं होता, ना पीता मैं तेरी आंखों से 12 जाम, ना मुकद्दर मेरा यूं खराब होता।
जानेमन तुम अबू जान को बुलाओ, आई मीन ससुर जान को बुलाओ, मैं भी आता हूँ, ठीक है? मैं आता हूँ अभी, मैं अभी आऊंगा, ये गया और आया। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान है, आफत में जान है, आन है, बान है, शान है, महान है। ए मोहब्बत के खुदा, ए मजनू, तुम अपनी लैला को इस बेदर्द दुनिया में अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? बरसा दो अपने प्यार की बारिश, जिसकी आवाज सुनकर तन मन झूम उठे। बरसा दो मजनू, बरसा। अमित का माइक बंद करो, बंद बंद। एक, दो, तीन। ये लो अमित भैया, पानी पियो, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास पियो। क्या है, अपने कैंटीन में इसकी जगह है ना? अबे तेरी तो मैं। अरे सर आ गए। क्या हुआ सर, ज्यादा चिल्लाए क्या मैडम? नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है? जैसे मैं कमरे में घुसा, मेरे पर फूल बरसाने लग गई। पास में एक आदमी बैठा था, पास में ढोलक लेके, वो मेरी शान में गीत गाने लग गया। बहुत डांटा है, गहरा सदमा लगा है, बैंक गए सर। कॉलेज के माहौल को और स्ट्रिक्ट करना चाहती है। नो रोज डे, नो वैलेंटाइंस डे, नो फ्रेशर्स डे। तो क्या खाली हिटलर्स डे मनाएगी कॉलेज में? औरतों वाली कोई बात ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं औरतों वाला, वो सही नाम रखा है, तूफानी डंडा। पर सर ऐसे कैसे चलेगा, कुछ करना होगा, उनकी अंदर की औरत को जगाना होगा, अरे उनके रूखे दिल में प्यार भरना होगा सर। अबे पागल हो गया है, शेरनी है वो, और शेरनी को जगाते हैं ना तो सिर्फ शिकार करती है वो। नहीं नहीं, इसके आइडिया में दम है। ये आग अगर बुझ सकती है तो प्यार की ठंडी बारिश से ही बुझ सकती है। लेकिन ये ठंडी बारिश करेगा कौन? अरे कोई भी उनकी उम्र का प्यारा सा इंसान, और जो कि दिल का सच्चा हो, जिसके खुद के दिल में प्यार हो, और आई मीन कलाकार टाइप का आदमी हो। वेरी गुड सर, तो कब से शुरू कर रहे हैं आप? क्या कब से शुरू कर रहा हूँ? वही प्रिंसिपल के दिल में प्यार जगाना। व्हाट? नो नो नो, मान जाइए ना प्लीज सर। किसी को सुसाइड के लिए उकसाना क्राइम है, तुमको जेल हो सकती है। सर प्लीज आप देखिए, अब सोचिए। ओह शिट। कम ऑन सर। नो, कितना समझाया मगर मानते ही नहीं। अरे अपने लिए नहीं तो ना सही, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए तो थोड़ा रिस्क उठाना चाहिए ना। कोई सच्चा प्यार करता हो अपने बच्चों से तब ना। वही तो। हो गया? नहीं आपके ऊपर है, आप डिसाइड कीजिए। चल यार। मैडम का जो अकेलापन है ना, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या तुम लोग ये नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी में भी कुछ खुशी आए? है ना? सर दिली दिल में मैडम से प्यार करते हैं। क्या बोल रहा है ये? अब अगर मैडम भी सर से प्यार करने लगे तो दो प्यार करने वालों का मिलन हो जाएगा। बिल्कुल। सर भी कुंवारे हैं, मैडम भी कुंवारी हैं, दो कुंवारे एक दूसरे के दुलारे बन जाए तो इसमें हर्जी क्या है? बिल्कुल। ग्रेट आइडिया, तुम्हारे ये थॉट सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, तुझे क्यों अच्छा लग रहा है? ओहो एक मिनट, तुम लोग बुआ जी को नहीं जानते। हाँ। एक मिनट, तुम अभी हमें नहीं जानती। पत्थर पे भी अपना जादू चला देना तो उसमें से भी रोमांटिक गाने बजने शुरू हो सकते हैं। और नहीं तो क्या, हम सर की इस काम में मदद करने वाले हैं और तुम दोनों को हमारी मदद करनी होगी। कैसे? ओके सर, आपकी लवोलॉजी की क्लासेस का पहला प्रैक्टिकल, सामने नेहा बनी है प्रिंसिपल मैडम और अमित बना है आप। अब सीखिए इनसे कैसे आपको प्रिंसिपल मैडम पर अपना जादू चलाना है। नॉक नॉक। कम इन।
ये आंखें, ये जुल्फे, अरे क्या शुरुआत है, ये होठ। ऊपर वाले ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इस चेहरे पर एक मुस्कुराहट जोड़कर इस खूबसूरती में निखार ला सकती है आप। आप पागल तो नहीं हो गए मिस्टर वर्मा? सही पहचाना आपने, लेकिन मुझे पागल बनाया किसने? मैं तो सिर्फ चलना जानता था, मंजिल क्या होती है ये तो तुम्हें देख कर जाना। क्या? मैं तो सिर्फ चलना जानता था, अंधेरे को दूर कर रोशनी देना तुम्हें देख कर जाना। मैं खुद नहीं जानता कि कब पी मैंने और कब कब बहका, होश गवा कर दीवाना होना तुम्हें देख कर जाना। मुझको मुझसे छीना है तुमने, मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी जिंदगी, मुझसे ही पराई की। कुछ मांगना चाहता हूं आज तुमसे, हो सके तो तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, ना हो सके ये तो तुम पे मर मिटने की इजाजत दे दो। नेहा, आई लव यू, आई लव यू नेहा। मुस्कुराहट, अंधेरा चलना सिखाया मुझे,
मंजिल पी रखी है मैंने। क्या? पी नहीं रखी मैंने। ये खूबसूरत चेहरा, ये होंठ, ये चश्मा, ये टेबल, ये फोन, ये फाइल, ये पेपरवेट। मिस्टर वर्मा, कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं। ये फूल? फूल किसके लिए? वो ये मेरे किसी पहचान वाले की मौत हो गई थी तो उसकी अर्थी पे रखने के लिए। एक्सक्यूज मी? ओ सॉरी सॉरी। आपका यहाँ आने का मकसद क्या है मिस्टर वर्मा? ऐसे ही। मिस्टर वर्मा, आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना टाइम यूटिलाइज करना सीखिए। ऐसे ही? हाँ। जा सकते हैं आप। जी जी। अपना फूल अपने पास रखिए। जी जी सॉरी सॉरी। सो गए क्या? नहीं। कल रात को क्या कर रहे थे? स्टुपिड, शादीशुदा लोगों से ऐसे सवाल नहीं पूछते। गुनाह हो गया साला मैरिड होना। कम ऑन यार, कम ऑन गाइस, लास्ट पॉइंट, कम ऑन, डोंट गिव अप, नाइस नाइस, वेरी गुड, कम ऑन गाइस। कहाँ थे जय? अरे पिक्चर की टिकट लेने गया था, 6 से 9। कोई रोमांटिक पिक्चर है? क्या नाम है? एक्शन फिल्म है, नाम है दूर हट, नहीं तो मार डालूंगा। अरे एक मिनट, तू 6 से 9 की पिक्चर में कैसे जा सकता है? क्यों? अरे भूल गया, आज कॉलेज की 25वीं एनिवर्सरी है ना। अरे ट्रस्टी साहब ने पूल साइड पे पार्टी रखी है, प्रिंसिपल मैडम ने हमें भी तो इन्वाइट किया है। अरे अमित, सिर्फ तुम्हें और जया को, वो भी इसलिए क्योंकि तुम हमारे घर में रह रहे हो। जय को थोड़ी ना इनवाइट किया है। हाँ नहीं, मतलब जय तो पिक्चर देखने जाएगा, मेरे साथ तो जया जाएगी, है ना जया? जय जय जया जय 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 फाइनल जय। तुम अकेले जा रहे हो? अकेले या दुकेले, तुझे क्यों बताऊं? क्यों? फ्रेंड नहीं हो तुम्हारी? किसी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं जा रहे हो ना? ये और गर्लफ्रेंड, सवाल ही नहीं उठता। मैंने ना इसकी डायरी पढ़ी है। क्या? ये हुक वाले लॉकेट का किस्सा बताऊं क्या सबको? बताऊं क्या? अच्छा ठीक है, रहने दे, नहीं बताता। बताओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, बता ही देता हूँ। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को पटाने का ख्याल आया इसको। इसने ना बहुत सारी और टिपिकल मूवीज में टिपिकल सीन्स होते हैं ना, जहाँ हीरो हीरोइन के लॉकेट आपस में अटक जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है, तो इसके गले में जो लटक रहा है ना ये लॉकेट, ये उसने खरीदा और रोज टकराने लगा उस लड़की के साथ, इसी उम्मीद पे कि कहीं तो कुछ तो अटकेगा। लॉकेट तो अटका नहीं, लड़की का थप्पड़ अटका इसके चेहरे पे। तो साले कमीने, धारीवाल कॉलेज को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले मेरे साथियों, धारीवाल कॉलेज की 25वीं सालगिरह मुबारक हो। डियर स्टाफ, कल कॉलेज जाकर अपने स्टूडेंट्स को यह खुशखबरी दे सकते हैं कि कॉलेज के 25 साल पूरे होने की खुशी में सबको मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। कॉलेज के स्टूडेंट्स पिकनिक पर जाएंगे। आई एम फ्रॉम तुकायू। तुकायू? सुमिमा सेन, सुमिमा सेन, सुमिमा सेन,
सुनीमा सेन। अबे गधे तू यहाँ पकाने आया होगा नहीं, खोल तेरी डिक्शनरी और देख कौन सी गाली दे रहा हूँ मैं तुझे। डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी सीख गया। सर आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। इट्स ऑल राइट, माफी एक शर्ट पर करेगा। कल खरीद के देगा सर आपको शर्ट। शर्ट मीन्स एक कंडीशन पर। अच्छा, शर्त पर, ओके। ये बताओ, ये शेंडी मतलब क्या? अच्छा, इतनी सी बात। शेंडी मतलब मदद, हेल्प करना मतलब शेंडी लगाना। वो टैक्सी वाले मामले में मैंने आपको हेल्प की थी ना, मतलब शेंडी लगाई थी। शेंडी मतलब मदद। हाँ, यानी हेल्प। राइट, ओके ओके सुष्मिता सेन, ओके। गुमनामवा, मुझे मालूम हुआ कि आप पब्लिक के लिए एक नया हॉस्पिटल बना रहे। ऑफ कोर्स। अच्छा है, आप पब्लिक को शेंडी लगा रही। मैं भी अच्छा शेंडी लगाती। आप मैं मिलकर दोनों पब्लिक को शेंडी लगाएंगे। सर आज समा रंगीन है, मौका अच्छा है, कर दो मैडम को प्रपोज आज। नहीं, अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है यार। हिम्मत का टॉनिक तो वहाँ रखा है ना सर। अबे चलिए सर, चलिए। नहीं एक्चुअली मैंने कभी पी नहीं है। अरे पी कर तो देखिए ना, मामूली सिपाही से प्रमोट होकर डायरेक्ट सेनापति बन जाएंगे सर। हाँ सर लीजिए। मजा आया ना सर, एक और लीजिए ना। नहीं नहीं बस। अरे मारिए सर, बस मत बोलिए। कम ऑन सर, लीजिए। अब जाके बोल डालिए सर। एक और अब कोई बस नहीं बोलेगा। अरे अरे क्या बात है, आप पार्टी एंजॉय नहीं कर रही? मुझे शौक नहीं है। अच्छा, वैसे किस चीज का शौक है आपको? नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। थैंक यू। देखिए आप मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। अकेली तो आप रही हैं, रहती रही हैं। मुझे लगता है कि आपको एक साथी की जरूरत है। प्रोफेसर वर्मा, कम से कम कॉलेज के बाहर तो मुझको दीपक बोलिए। पी रखी है आपने, होश नहीं है आपको, बदतमीजी कर रहे हैं आप। बदतमीजी तो, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ये मत भूलिए कि मैं कौन हूँ। अरे आप भूल गई हैं कि आप कौन हैं? आपको आप क्यों बोल रहा हूँ मैं? तुम बोलना चाहिए। अरे तुम क्या, तू बोलना चाहिए। तू भूल गई है कि तू कौन है? एक औरत? अरे औरत कहलाने के लायक नहीं है तू। क्यों, बच्चे पिकनिक में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी? किसी की खुशियां देखी नहीं जाती ना, इसीलिए लोग तुझे बोलते हैं तूफानी डंडा। मैं इज्जत करता था तुम्हारी, तेरी, लेकिन अब नहीं करता। तू औरत नहीं है, वैम्पायर है, वैम्पायर, राक्षसी, चुड़ैल। यू आर ए वैम्पायर, वैम्पायर। जुल्फे बिखरा कर हुस्न की शमा जला कर सपनों में आती हो क्यों, सारी रात जगाती हो क्यों, दिल धक धक करता है मेरा, तुम इतना सताती हो क्यों? बस सर,
इस शेर को जाके उनके सामने बोल डाली। हाँ। लेकिन ये शमा क्या होता है? शमा मतलब ज्योति। ज्योति? हाँ। मोमबत्ती सर। मोमबत्ती? जुल्फ बिखरा के, मोमबत्ती जला के, सपनों में आती हो क्यों? दिल धक धक करता है, तुम इतना डराती हो क्यों? क्या मैं कुछ गलत बोल गई? इस रेजिग्नेशन की वजह? जी, कल रात जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, और बेहतर हुआ कि आप उसका जिक्र किसी और से ना करें। ये नोटिस कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दीजिए। अगले हफ्ते ट्यूसडे को कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए महाबलेश्वर में पिकनिक ऑर्गेनाइज की जा रही है। जी? आप जा सकते हैं। तो बाद में आ जाना, ठीक है? अब What happened? Not well? Actually, she's not well. She's got fever. Oh, Jaya, I'm so sorry. So Bye. sad. Take care of yourself, okay? Come, let's go. Yep. Get well soon, Jaya. Yes! अजीबो गामी जी, महाबलेश्वर। जय, कितनी ठंड है यहाँ ना। मैं क्या तुझे जलता हुआ कोयला दिखाई दे रहा हूँ जो मेरे पास आकर सर्दी भगा रही है? ए, चलना अमित। हाँ तो चलना। हाँ। निशा चल। मैम, 18 फॉर द स्टूडेंट्स एंड 4 फॉर द स्टाफ। आई सी। Oops, I'm sorry. Sorry. Thank you, ma'am. Hi. Hi. कौन सी किताब पढ़ रही हो? इन लव विद अ मैरिड मैन। इंटरेस्टिंग नॉवेल होगी? नहीं, नॉर्मल, जैसे बाकी मिल्स एंड बून की होती हैं। अरे नॉर्मल कैसे, कितनी डिफरेंट है। इन लव विद अ मैरिड मैन, एक शादीशुदा आदमी से प्यार। वैसे मतलब थॉट अच्छा है। ऐसा थॉट सिर्फ नॉवेल में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। क्यों? रियल लाइफ में शादीशुदा आदमी के दिल की जगह किडनी होती है क्या? नहीं, वैसा नहीं। अच्छा मान लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि कोई शादीशुदा बंदा, जैसे कि मैं, अगर मैं तुमसे कहूं कि आई लव यू, तो तुम क्या कहोगी? बहुत बहुत सोच समझ कर जवाब देना लिया। मैं तो तुम मैं कहूंगी क्या कहोगी? मैं कहूंगी कि अमित, जया है ना, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली। हाँ। भगवान, बहुत पंगे रास्ते में, अब तो आप ही कुछ जादू दिखाओगे तो बात बनेगी। नेहा, टुडेज अट्रैक्शन मैजिक शो बाय सतीश देशमुख द इल्यूजनिस्ट, क्या ख्याल है? बड़ा नेक ख्याल है। तो चले? चलो। और अब आज के शो का लास्ट आइटम, जिसके लिए मुझे आप में से किसी एक की जरूरत होगी। आप, मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे, प्लीज। He's calling you. मैं? Yes, you. Oh, God. मैं। Give him a big hand.
अब देखिए मोहब्बत की ताकत। प्यार किया है कभी किसी से? जी। ये लीजिए पेंसिल और बनाइए उनकी तस्वीर। याद कीजिए उनकी आंखें, याद कीजिए उनके होंठ, उनकी जुल्फें, उनकी मुस्कान बनाइए। सोचिए कैसी दिखती है वो। लगता है आप अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं ठीक से। हाँ जी एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा बैठो, इधर बैठो। क्या है खबरदार जो अभी मेरा पीछा किया? तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते हो? सीधा सच्चा जवाब दूं? हाँ। इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम मुझे लड़की नहीं वो रस्सी लगती हो जो अगर मेरे गले पड़ी तो फांसी का फंदा बन जाएगी, समझी? अब चुपचाप बैठे रहो यहाँ पर। Something, something. Hey, teri mast jawani khilti jaye chain chura.
जाके होश उड़ाए, प्यार का सब में रोग लगाए। ओ सुनिए सुन ले तू something something tell me something. Now I'll tell you something that's been sitting on my brain. You got the kind of loving that could drive a girl insane. Seeing your face, I'm in a world I can't explain. It's making me feel the sun shining through the rain. Pop the cork, let's sip the champagne. आज ये मेरा दिल कहता है ऐसा कुछ हो जाए, तेरी मेरी आंखों में बस प्यार नजर ही आए। हाय तेरी मस्त नजर ने लूटाया, क्यों तू मुझसे रूठाया, प्यार में थोड़ी हंसती शाम। ओ सोनिया सुन ले तू something something tell me something tell me something मेरी जान, कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चार। ओ सोनिया सुन ले तू something something Oh, अबे कहाँ है तू? स्विमिंग कर रहा था। अच्छा सुन, बहुत गड़बड़ हो गई है, तेरा हालचाल पूछने के लिए प्रिंसिपल घर पे फोन कर रही है। तो? अरे तो क्या, वो परेशान है, तू घर पे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? यार मैं तो यहाँ हूँ, फोन कैसे उठा सकता हूँ? अरे मगर उनके हिसाब से जया को तो घर पर होना चाहिए ना। देख जया कुछ करना पड़ेगा नहीं तो फंस जाएंगे। अबे यार मैं यहाँ बैठे बैठे क्या कर सकता हूँ? एक छोटा सा बलिदान दे सकता है मेरे दोस्त। आई एम सो सॉरी मगर तुझे अपनी बलि चढ़ानी पड़ेगी दोस्त। मैडम हो सकता है उसकी तबीयत ठीक हो गई और वो यहाँ वहाँ घूमने चली गई हो, यू नो। इम्पॉसिबल, मैं जया को अच्छी तरह जानती हूँ। बेचारी सीधी साधी लड़की, तुम्हारे बिना घर से बाहर कदम नहीं रखती है। कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो मैम। मुझे लगता है कि हमें आपके एरिया के पुलिस स्टेशन में फोन करना चाहिए। पुलिस पुलिस क्या, इसमें क्या पुलिस? क्यों नहीं, पुलिस जाकर चेक कर लेगी जया किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। नहीं 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 मैडम, 5-10 मिनट और रुक लेते, हो सकता है वो बाथरूम में हो, यू नो। आधे घंटे से मुझे लगता है हम फालतू में बातों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं फोन लगाती हूँ। कहाँ फोन लगा रही है मैडम? आया जया, आई जय जया, नेवर माइंड, आ गई। कम कम तूने तूने लगाई है सारी आग, तुझसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। देख ये बात सच है कि मुझसे तेरी खुशियां देखी नहीं जाती, मगर कसम से ये पाप मैंने नहीं किया। तुझे क्या लगता है तेरी इस बात पर मैं यकीन कर लूंगा? अगर तेरे दिल में पाप नहीं होता तो तू कभी जया वाले कपड़े यहाँ लेकर नहीं आता। अरे यार वो तो मैं सेफ्टी के लिए ले आया था। एक्चुअली मुझे पता था तुझ जैसा मनु साथ में होगा तो कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर होगा। चुपे, तुझ जैसा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। देख जय अब तू लिमिट के बाहर जा रहे हैं। लुच्चे लफंगे साले। अबे तेरी हड़। देख जय अब मेरी खोपड़ी गर्म हो रही है बहुत। हाँ होनी ही चाहिए, जब से मैं तुझसे मिला हूँ मेरे जिंदगी में से टोटल फन निकल गया है। फन निकल गया? हाँ फन निकल गया, कोई बात नहीं जय, तेरी जिंदगी का खोया हुआ फन मैं तेरी लाइफ में वापस लाऊंगा। अच्छा? आज तेरी जिंदगी में इतना फन भर दूंगा, मैं इतना फन भर दूंगा कि जब भी तू आज का दिन याद करेगा ना तेरी आंखों में आंसू आएंगे दुख के। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू? अरे छोड़ ना, औरतों पे हाथ नहीं उठाता मैं, जा 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 के ना। अरे जा जा, क्या हाथ नहीं उठाता, बस बस डर गया तू। निकल अमित, अरे फायर अलार्म। अमित देख, अमित अमित। अरे जय यार अपने कमरे में एक चीज लगी है, एक्चुअली लाल बॉक्स है, उस पर शीशा लगा हुआ है। ए अमित प्लीज। यार जय उसके अंदर एक बटन भी है, एक्चुअली बॉक्स के ऊपर फायर अलार्म लिखा है। यार जय अगर मैं उस बटन को दबा दूं तो क्या होगा? अमित नहीं, अमित नहीं, अमित तेरी तो कमीना बोल रहा है। अमित नहीं, अमित मेरी बात सुन प्लीज, अमित नहीं। अमित दरवाजा खोल।
अलार्म था, हमने सब कुछ चेक कर लिया है, आप लोग बेफिक्र रहिए। ओके। अरे आ गया तू, क्यों और फन नहीं लेनी क्या लाइफ में, पेट भर गया क्या? अमित प्लीज। अरे ऐसे प्लीज बोलने से थोड़ी ना चलेगा, हा? कान पकड़ कर बोल सॉरी मेरे बाप। सॉरी मेरे बाप? कान तो पकड़े है ना? हाँ पकड़े। अरे फायर अलार्म किसने बजाया? स्टूपिड। हाँ, हाँ, आज मैं जल जाती। दोनों हाथों से पकड़े। ओह शिट, क्या देखकर चीखी? अरे छोड़ ना जय, रात गई बात गई यार। अरे हो गई यार मस्ती मस्ती में कर लेती। सच कहूं मुझे भी अब गिल्टी फील हो रहा है यार। ऑनेस्टली यार कितना घिरा हुआ हूं जो तुझे तकलीफ दे रहा हूं, पहले कितनी टेंशन है तेरी लाइफ में। आई एम सॉरी बड़ी, वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। पक्का वादा? तेरी कसम। मारा गया। क्या हुआ? वो देख यार ये लड़की मेरा पीछा कब छोड़ेगी। डोंट वरी मैं हूं ना, देख कैसे संभालता हूँ उसे। हाय जय। हाय निशा। तुम बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ, क्या चल रहा है? नहीं मतलब एक्चुअली जय बता रहा था कि आजकल वो रोज तुम्हारे कुछ रोमांटिक से सपने देखता है। अबे क्या बोल रहा है तू? और भी बहुत कुछ बोल रहा था लेकिन मुझ जैसा शरीफ आदमी अपनी जुबान से तो नहीं बोल सकता ना। तेरी सच बोल रहा हूँ निशा, सच बोल रहा हूँ। देखो निशा, ये अमित ने अभी जो कुछ भी कहा ना सब झूठ है। तुम्हारे लिए झूठ होगा, मेरे लिए सच है। पागल हो गई हो तुम? तुम्हारे प्यार के लिए आई डोंट माइंड। माइंड होगा तो माइंड करोगी ना। देखो निशा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत से सपने देखे हैं, मुझे उनके सपने पूरे करने हैं, तुम्हारे नहीं। इडियट। जय, डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ इडियट? आई विल टेल यू। आई फॉर आई, डी फॉर डू, आई फॉर इश्क, ओ फॉर ओनली, टी फॉर तुमसे, आई डू इश्क ओनली तुमसे। मैडम, मैडम, हाँ तो कहिए मिस्टर दीपक वर्मा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? इतना सॉफ्टली थोड़ी बोलती है। लिसन मिस्टर वर्मा, अपने बच्चों का ख्याल रखना ये आपका फर्ज है, और कॉलेज की ड्यूटी करना ये भी आपका फर्ज है, और ये दोनों आप कैसे मैनेज करते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है। पर मैडम आपको भी तो मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए ना। मैम आप आप खड़ी क्यों हैं मैडम? बैठिए बैठिए ना मैडम। मैडम आप मुझे कुछ समझाइए और मैं भी आपको कुछ समझाती हूँ, आई मीन समझाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, दरअसल हुआ ये कि वो मैं कमाल कर रहे मैडम, आपकी आवाज का वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया? आपको आप क्यों कह रहा हूँ? तू ना वैम्पायर है, चुड़ैल है तू, तूफानी डंडा है। मैम देखिए आप अब तक उस बात कमाल कर रही है मैडम, अगर आप इसी तरह हकलाती रही तो मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। Oh, that way. ऐसे ही सर। सर आपसे कुछ बात करनी है।
पर्सनल एक्सक्यूजेस नो प्रॉब्लम व्हाट जया लड़की नहीं है थोड़ा सॉरी जय लड़की नहीं है लड़का है मतलब जय है अपना जय मतलब अपना जय लड़की बनके तुम्हारे साथ प्रिंसिपल के घर पे रह रहे सर हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था सर अब प्रॉब्लम ये है कि टेम्पररी घर बसाने के लिए बोला हुआ झूठ मेरा परमानेंट घर नहीं बसने दे रहा सर सर आई एम इन लव विद नेहा लेकिन वो समझती है कि मैं शादीशुदा हूँ इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करती समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ सर मैं अच्छा जो मैं कहूंगा वो मानोगे हाँ सर मानूंगा सब कुछ सच सच बता दो लेकिन सर उसे मैडम को बता दिया तो बेटा आग से खेलने का शौक है तो हाथ जलने का रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा अब मोहब्बत वो टैबलेट है बहुत सारे दुख दूर करती है लेकिन बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अब तुम्हारे ऊपर है या तो जिंदगी भर बैठ कर रोते रहो और या फिर एक ही बार में नेहा कह दू क्या कमान अमित जो होगा देखा जाएगा नेहा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं नेहा जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगेगा लेकिन यह कहना बहुत जरूरी है क्योंकि अब मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता नेहा नेहा आई लव यू तुम्हें लगेगा कि मैं किस किस्म का घटिया इंसान हूं जो शादीशुदा होने के बावजूद तुमसे प्यार की बात कर रहा हूं मगर सच तो यह है कि मेरी और जया की शादी हुई नहीं इनफैक्ट हो भी नहीं सकती क्योंकि जया लड़की नहीं लड़का है जय है नेहा हमें रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा था इसलिए मजबूरी में हमें झूठ बोलना पड़ा Oh my God, I'm shocked. निशा तुम Yes, तुम्हारा गुड लक अमित की ये मैं हूँ यहाँ नेहा होती तो तुम्हारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले दी एंड हो जाती वो कैसे मतलब इडियट नेहा मेरी सिस्टर है अच्छे से जानती हूँ उसे अगर ये उसे सीधे सीधे पता चल जाता तो वो कभी नहीं माफ करती तुम्हें अपनी लाइफ की सबसे मेजर भूल करने जा रहे थे तुम लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था एक काम हो सकता है अच्छा क्या मैं नेहा के दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगाऊंगी यू मीन तुम वाओ हाउ बट आई मीन थैंक्स एनीवे सिर्फ थैंक्स बोलने से काम नहीं चलेगा तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी अच्छा यू मीन जय वाले मामले में यस अच्छा बोलो क्या बोलते हो डन डन जया तुम यहाँ अरे 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 क्या कर रही हो गले मिल रही हूँ क्यों एक लड़की दूसरी लड़की से गले नहीं मिल सकती है क्या नहीं हटो मुझे ये पसंद नहीं हटो लेकिन मुझे बहुत पसंद है मजा आ गया छोड़ो हटो बिल्कुल नहीं हटने वाली अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है देखो अभी अमित आ जाएगा आने दो उसे बिल्कुल पसंद नहीं उसकी बीवी किसी और के बाहों में हो फिर वो लड़की हो या लड़का नहीं नहीं मैंने ऐसा कब कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि निशा दो पफिया मेरी तरफ से भी मगर इस खुशी की कोई वजह जय के अलावा और क्या वजह हो सकती है यू नो आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि जय भी मुझे बहुत प्यार करता है क्या मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है आई मीन जय के दिल में क्या है आज नहीं तो कल जय मेरा होके रहेगा है ना मैं बाय मिलते हैं बाद में बाय लड़की अच्छी है मान जाना इतना भाव क्यों खा रहा है तू चुप कर धोखेबाज साले तेरी तो मैं अरे रुक 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 तू हमेशा काटने क्यों दौड़ता है यार टेंशन क्या है तेरी लाइफ में टेंशन हाँ टेंशन ये है मेरा टेंशन ये देख रहा है ये है टेंशन मेरा ये देख ये टेंशन है मेरा तेरे लिए मोहब्बत के मजे लेना बड़ा आसान है बेटा जिसके गले पे तलवार लटकी होती है ना उसे कुछ नहीं सूझता यार देख तुझे ऐसे नहीं लग रहा है तू अपनी प्रॉब्लम को जरा बड़ा चढ़ा के बोल रहा है अच्छा चल एक काम करते आज की शाम मैं तुझे एक खास जगह ले जाता हूँ मतलब अरे एक ऐसी जगह जहाँ हंगामा हो मस्ती हो और धूमधाम हो धूमधाम आज रंगीन हो गई शाम उठा ले तो जाम बिन जान ये
के हम आ गए, देर अब किस बात की, दोनों नशे में जो छा गए। जरा सुन ओ मेरी मन चली, जरा सुन ओ मेरी गुलफाम, जब दोनों तरफ आग है, चलो किस्सा करे ये तमाम। के थारे आंगने में, के थारे आंगने में, के थारे आंगने में हो रही है साले। क्या? हाँ, मोहब्बत ने प्रिंसिपल मैडम को तूफानी डंडा से तूफानी ठंडा कर दिया। प्यार चीज ही ऐसी है, मगर होता है कुछ गधे जो मोहब्बत का मतलब ही नहीं समझते। किसकी बात कर रहा है? मेरे आसपास गधा तो अकेला तू ही है। अरे आंखें खोलकर देख बेटा, सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। जा दौड़कर और कह दे निशा से कि निशा आई लव यू। अमित यार एक बात बता। हाँ। मैं क्या सोते हुए तुझे लात मारता हूँ? नहीं तो। कभी मैंने तेरे पर्स से पैसे चोरी किए हैं क्या? नहीं। तो क्यों मेरे से दुश्मनी निभा रहा है तू? यार मैं तेरी भलाई की बात कर रहा हूं और तू है कि मत सोच मेरा भला मेरे बाप, मेरी जिंदगी है, मत उंगली कर, अपने काम से काम रख। खानदानी कड़क लगता है, गारंटी है मजनू का ऑर्डर इसके ही दादा परदादा ने किया होगा। अमित कैसा लगता है तुझे? निशा तू पागल हो गई है क्या? अमित शादीशुदा है। मेरा सवाल कुछ और था, अमित कैसा लगता है तुझे? निशा अमित के अच्छे या बुरे लगने से कुछ नहीं होता। अमित कैसा लगता है तुझे? How does it matter? मान लिया कि अमित एक अच्छा इंसान है, मगर मगर वर्ड को बीच में ना लाए तो? ये मगर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इस लाइन में। वो शादीशुदा है एंड आई थिंक तू पागल हो गई है जो मुझसे ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही है। अगर तू मुझे अकेले में बैठकर रोते देखती तो क्या तू पागल नहीं होती? अमित और जया के बीच में कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर अचानक जया की डेथ हो जाए तो क्या तू अमित से शादी? Oh my God! You mean to say अमित जया का मर्डर करने का प्लान बना रहा है? No. I mean, okay. मान ले अमित जया को डिवोर्स दे दे और फिर तुझे प्रपोज करे तो? निशा जो लड़का किसी और लड़की के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ सकता है, क्या वो एक नई लड़की के लिए अपनी दूसरी बीवी को नहीं छोड़ सकता? ओके, फॉरगेट एवरीथिंग, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या तू अमित से प्यार नहीं करती? मैंने तेरे साथ बहुत वक्त गुजारा है, कुछ तो पढ़ा है तुझ में, तभी तो ये सवाल किया। जवाब दे, क्या तू अमित से प्यार नहीं करती? निशा प्यार एक मजबूरी है, झूठ नहीं कहूंगी। शायद कभी अमित को देखकर दिल की धड़कनें तेज हुई भी हैं मेरी, लेकिन अगर उसने जय का विश्वास तोड़ा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा।
Congrats, Amit. I know my sister. She loves you. She loves you a lot. A ball tere court mein hai. Jo karna hai, tujhe hi karna hai. Amit, 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 ye kya kar rahe ho? Toot jaane do chhote rishte ki diwar ko, Niya. मंडप में जल रही आग ने मेरे और जया के रिश्ते को जन्म दिया और आज ये लाइटर की आग उस रिश्ते को मौत देगी। झूठा रिश्ता? हाँ, जानती हो निया, मैंने जया को हमेशा प्यार दिया, ढेर सारा प्यार, और आज आज वो एक दूध वाले के साथ भागने का प्लान बना रही है। दूध वाले के साथ? हाँ, मैंने तो उसके अलमारी में छुपाए हुए भाजी बेचने वाले के लव लेटर्स भी देखे, लेकिन भाग तो दूध वाले के साथ ही रही है। ओह माय गॉड, जया ऐसी लगती तो नहीं? जया जो है वो लगती नहीं, और जो लगती है वो है नहीं। जानती हो निया, मैं तो जया के साथ शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन बिस्तर पर दम तोड़ रहे मेरे दादा की आखिरी जिद की वजह से मुझे जबरदस्ती दूल्हा बनना पड़ा। क्या? हाँ, लेकिन फिर भी मैंने उसे दिल खोल कर प्यार किया, उसने भी दिल खोल कर प्यार किया, लेकिन मुझे नहीं, पड़ोसियों को। Oh my God, I just can't believe it. पति पत्नी के रिश्ते जैसी तो कोई बात ही नहीं रही ना। जानती हो निया, पिछले 9 महीनों से मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैं बहुत लड़ा अपने आप से, बहुत लड़ा, लेकिन इस दुखी आत्मा को कौन सहारा देगा? बोलो ना निया, बोलो। अमित। हाँ बोलो। अमित मैं। बोलो निया, बोलो। अमित। बोलो ना अमित मैं। हाँ बोलो ना। मैं जया। स्वामी, स्वामी आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद? हमारा आपका प्यार मंजिल तक पहुंच चुका है। हाँ? आपकी जिद, आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। हाँ? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नया वो जय, मतलब जया, नया नया जया, नया नया जया, नया नया, कौन सी भाषा बोल रहा हूँ? नया सुनो, नया नया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? नया नया लड़ी हेल्प जय, क्या तूने, हाँ क्या किया, क्या किया, क्या किया तूने? क्या कर रहा है यार, अपना बच्चा गिर जाएगा। बकवास बंद कर, बहुत छा मैंने तेरी हर गलती माफ की, मगर आज मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई है। किस मुंह से बात कर रहा है तू? अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुझे यूज किया है तूने। नेहा को पटाके मुझे घर से निकालना चाहता है ताकि खुद सारे घर में चौड़ा होके सो सके। माइंड योर लैंग्वेज, जय मैं नेहा को प्यार करता हूँ। अरे हट, प्यार करता हूँ? नाटक है, सिर्फ नाटक, चारों तरफ नाटक देख देख के दम घुट रहा है मेरा। पहले वो प्रोफेसर अपने प्रमोशन और कॉलेज कैंपस में घर हासिल करने के लिए प्रिंसिपल मैडम के साथ नाटक करता है, अब तू नेहा को जाल में फंसाने की कोशिश करता है। अरे जा, शर्म आती है मुझे तुझ पर। साले तेरे जैसे लोगों की वजह से प्यार बदनाम है। मुझे तुझसे तो ये सीखने की जरूरत नहीं कि प्यार क्या होता है। तू जो निशा के प्यार को इज्जत नहीं दे सकता, तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है? मैं प्यार समझता हूँ कि नहीं, इसका जवाब मुझे तुझे तो देने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ मजबूरियां हैं मेरी, निशा मेरा प्यार है, मेरा सपना है, मगर कुछ सपने मेरे माँ बाप ने भी देखे और मेरे लिए उनके सपनों की कीमत मेरे सपनों से कहीं ज्यादा है। तेरी तरह स्वार्थ नहीं भरा मेरे दिल में। बस अब एक शब्द और। तू समझता है कि मैं कोई गेम खेल रहा हूं ना नेहा के साथ? देखना चाहता है कितनी सच्चाई है मेरे प्यार में? तो आज अभी इसी वक्त मैं जाकर नेहा को सच्चाई बोल देता हूं, फिर चाहे मैं सड़क पर क्यों ना आ जाऊं, लेकिन अब मैं इस झूठ का सहारा नहीं लूंगा। जी आ गए। सर सर सर। हाँ? सर आप कहाँ थे? मैडम आपको कब से ढूंढ रही है? क्यों? ये लिफाफा और चाबी आपको दी है। प्रमोशन लेटर, फ्लैट की चाबी, आज यह मेरे लाल। चालू चालू डार्लिंग, चालू कहो भाई।
जब देखो ये बाथरूम में ही रहती हैं। हाय शालू। मिस्टर वर्मा टेक अ सीट, ये ऑफिस है आपका घर नहीं कि आप जहाँ चाहे बैठ जाएं। ओहो नाराज हो, लेकिन इस नाराजगी की वजह शालू? प्लीज टेक अ सीट मिस्टर वर्मा एंड डोंट कॉल मी शालू, प्रिंसिपल हूँ मैं यहाँ की। आई नो शालू। आई टोल्ड यू नॉट टू कॉल मी शालू। कहिए क्या काम है आपको? काम क्या है, ये प्रमोशन, ये फ्लैट की चाबी। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर वर्मा, आपकी कोशिश एक कामयाब हो गई। जिंदगी में जो ख्वाब देखे थे वो आपने हासिल कर लिए। इस तरह से क्यों बात कर रही हूँ मुझसे? यू आर हर्टिंग मी। स्टॉप दिस इमोशनल ड्रामा। खेल तब तक खेला जाता है मिस्टर वर्मा जब तक कि जीत हासिल ना हो, और आप तो जीत चुके हैं। मेरी भावनाओं, मेरे प्यार के साथ खेलकर, you've done it, you should be proud of yourself. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब। Stop it, stop this nonsense. तुमके पास। हाँ नेहा, मैं जानती थी कि जय ही जया है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो दोनों बुआ के साथ प्यार का खेल खिलवा रहे थे। मुझे यही लगा कि सर बुआ को सीरियसली प्यार करते हैं। कांटा चुभा है बुआ, कुछ देर तो दर्द रहेगा ना। लेकिन आपका दिल तोड़ने वालों को हम कभी माफ नहीं करेंगे। हम भूल जाएंगे उन्हें, भूल जाएंगे। तो ये कॉलेज छोड़कर किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप? लाइब्रेरी, कैंटीन, लैब, सबसे सिग्नेचर तो ले लिया है, मगर एक जगह से नो ऑब्जेक्शन लेना बाकी है, हॉस्टल। मैडम लेकिन हम हॉस्टल में गए, हम तो आपके साथ घर में। हाँ तो ठीक है, जिस घर में रहते हो उस घर के मेंबर्स के सिग्नेचर लेकर आओ। लेकिन मैडम हम तो आप ही के साथ रहते थे तो साइन भी आप ही का। मेरे घर में मेरे अलावा दो इंसान और रहते हैं, हो सकता है तुमने उनका कुछ लिया हो जो लौटाया ना हो। मैडम हमने उनसे कुछ नहीं लिया। ये तो तुम कह रहे हो ना। एनीवे मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती, उन दोनों के साइन ले आओ, तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा वैसी। कहाँ जा रहे प्रोफेसर साहब? मैडम तो गई। चली गई? हाँ। अरे ऐसे कैसे चली गई, उनको तो मेरे रिलीविंग लेटर पे साइन करना था। अब क्या हुआ? अरे सर से पूछते ना। अरे लीविंग सर्टिफिकेट मिला तुमको? नहीं। क्यों? मैडम ने कहा नेहा और निशा से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन करवा कर लाओ। हम घर पहुंचे तो वहाँ तो ताला था। सर हम तो फंस गए सर, सिर्फ एल्फी कॉलेज वाले मिड टर्म में हमें एडमिशन देने को तैयार है, और वो भी इस शर्त पर कि कल तक हम कैसे भी लीविंग सर्टिफिकेट उन्हें सबमिट कर दे, वो भी सुबह 10 बजे तक, क्योंकि उसके बाद उनकी कॉलेज की एनुअल रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने वाली है। वो ताला घर पर नहीं हमारी किस्मत पर लगा है सर। कहाँ गए होंगे वो लोग? मैडम फिर वहीं गई हैं। वो कॉलेज पिकनिक वाली जगह, उस जगह का नाम क्या है? महाबलेश्वर। हाँ वहीं गई हैं, वहीं। लगता है मैडम को वो जगह भाग गई। लेट्स गो। महाबलेश्वर? हाँ चलो यार। एक्सक्यूज मी। यस सर। शालिनी देवी यहीं ठहरी हैं? यस सर। रूम नंबर? सर उन्होंने अपना रूम नंबर बताने से मना किया है। देखिए हमें उनसे जरूरी काम है, हमारा उनसे अभी का भी मिलना बहुत जरूरी है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप फोन पे हमारी बात करा दीजिए। इतनी रात को?
सर उन्हें डिस्टर्ब होगा, आई कैन हेल्प यू सर। कोई बात नहीं, हम अपनी हेल्प खुद कर लेंगे। चलिए सर, सेल्फ सर्विस। एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटी। हम लोग तो होटल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। कहां से? आई नो। अब सुबह तक वेट कर ले। अरे यार, 8 घंटे का रास्ता है यहाँ से। सुबह 9 बजे भी साइन करेगी तो जाते जाते सब बंद हो जाएगा। और ये भी भरोसा नहीं कि सुबह साइन करेंगी या नहीं, हमारा तो साल बर्बाद हो जाएगा। अरे तुझे साल की पड़ी है यार, मैं तो बच्चों समेत रोड पे आ जाऊंगा। सर कुछ तो करना होगा, हमें अंदर जाना ही होगा सर। क्या करें यार, वो पहलवान खड़ा हुआ, वो अंदर जाने देगा उसकी तो? सर यही तो इसका इलाज है। हा? यानी अपना हाथ जगन्नाथ। बिल्कुल, सब कुछ जायज है मोहब्बत और जंग में। ओके, रेडी? रेडी, गो। रूम नंबर 105 सर। तुम वॉचमैन? अरे अरे वॉचमैन, हेलो हेलो, वॉचमैन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे पेपर साइन कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे चुपचाप। ये मेरा ऑफिस नहीं है, मैं छुट्टी पर हूँ। भाड़ में गया तुम्हारा ऑफिस और तेल लेने गई तुम्हारी छुट्टी। अरे एक साइन करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बहुत चिंता हो रही है ना अपने भविष्य की। नए कॉलेज में शानदार जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे हो? तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। साइन लेने ऑफिस में आना। शर्म आनी चाहिए मैडम आपको हमारे भविष्य के साथ खेलते हुए। तुम्हें शर्म आई थी क्या दूसरों की फीलिंग के साथ खेलते हुए? देखो निशा, पर्सनल दुश्मनी अपनी जगह और प्रोफेशनल काम अपनी जगह। उसूल नाम की भी कोई चीज होती है। उसूल? लुक हुज टॉकिंग। एक झूठे मक्कार के मुंह से ये उसूल वर्ड अच्छा नहीं लगता। हर बात में झूठ समाया था तुम लोगों के। अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ मैं तुम जैसे घटिया लोगों से रिश्ता जोड़ के। देखिए आपकी इज्जत करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम सहते जाएंगे। हाँ बोलेंगे, तुम लोग झूठे हो। योरा लाया लाया लाया। देखो देखो, हम मानते हैं कि हमने झूठ बोला था, वो हमारी मजबूरी थी, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ उसमें झूठ नहीं था। बाद में तो मैं सच्चे दिल से तुम्हें चाहने लगा। दिल चाहत? तुम इन शब्दों का मतलब भी जानते हो? कैरेक्टरलेस इंसान। कैरेक्टरलेस? हम कैरेक्टरलेस? मैडम अगर आप हमारे कैरेक्टर के बारे में जानना चाहती है ना तो पूछिए निशा से। कभी हाथ भी लगाया इसे? इसकी दीवानगी का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकता था मैं इसके साथ। What do you mean? मैं इतनी चीप नहीं हूँ कि तुम्हें हाथ भी लगाने देती। देखो वो अलग बात है, लेकिन हमारी शराफत यह है कि हमने ऐसा कुछ ट्राई भी नहीं किया। किस शराफत की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ किस शराफत की? क्या तुमने मुझे फंसाने की कोशिश नहीं किया? मैं खबरदार खबरदार जो मेरे प्यार के लिए ऐसे बेहुदा शब्द इस्तेमाल किए। एक झापड़ लगाऊंगा ना सारी अकड़ निकल जाएगी। तुम झापड़ लगाओगे मुझे? हाँ मैं। हाथ लगा के देखो। हाँ हाथ लगा के देखो। यहाँ देखो, गड़बड़ हो जाएगी बोल रहा हूँ मैं भी तो। देखो क्या हो गया। यू इडियट। अरे सर बोलिए इसे। नया देख फ्लावर वाली है। बदला तो हमें भी लेना है। बदला? ये इडियट। अरे निशा, क्या कर रही है निशा? निशा भागते कहाँ? अरे अरे क्या कर रही है? चुड़ैल भाई, भाई खून पी जाऊंगी तुम्हारा। देख निशा, निशा बहुत हो गया, तू क्या कर रहा है? जिंदगी बनाने आए थे, अब जिंदगी बचेगी नहीं तो बनाओगे क्या? अरे गिर जाओ। I love you बाबा, मुझे माफ कर दो। उससे पहले I love you। क्यों किया?
लव यू। छोड़ो ना। अब क्या हो गया? अरे अब तो हम एक हो गए हैं। क्या शुरू? अब क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम है ना, बच्चों को लड़ाकर हम मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ? यार मामला तो इनका भी सॉल्व है। क्या ख्याल है? पकड़े रंगे हाथों। चल चल। चैन से उन्हें जीने दो और खुद भी जियो। चलो यहाँ से। एक, चलो। एक। कौन है भाई? गेट इन, गेट इन, गेट इन। कम ऑन। या तो कोई भी नहीं है। क्या बात है भाई, अरे ढाई घंटा हमारे साथ मजे से बिता तो लिए, अब तो घर जाओ। दिल की बातें दिल ही जाने, दिल तो है दीवाना, तेरे प्यार में फिरता हूँ मैं बनकर एक अनजाना। दिल की बातें दिल ही जाने, दिल तो है दीवाना, तेरे प्यार में फिरता हूँ मैं बनकर एक अनजाना। किसौनी घोड़ी किसौनी घोड़ी तेरी मस्त नजर ने लूटा यार, क्यों तू मुझसे रूठा यार, प्यार में थोड़ी हंसती शाम हो सोनिया, सुन ले तू something something, tell me something, tell me something, मेरी जान कर ले हमसे एक बार, प्यार की मीठी बातें चारों सोनिए, सुन ले तू something something, tell me something, oh, sorry. Yeah. Oh, sorry.